हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ सुबह सुबह, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 8:30 और आज है हम लोग का क्रिकेट मैच का प्रैक्टिस। मैं कल बताई थी आप लोग को कि लेडीज़ क्लब से हम लोग का क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, तो संडे को फाइनल मैच है। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस के लिए 10:30 बजे बुलाया गया है, तो इसके पहले मुझे मेरा जो कुकिंग है वो कम्प्लीट करना होगा। और आरुष अभी सो रहा है क्योंकि उसको खांसी है, इसीलिए मैं उसको स्कूल में नहीं भेजी हूँ और उसको सोने देते हैं, क्योंकि कल रात भर ना वो बहुत उसको खांसी हो रहा था और वॉमिटिंग भी हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ अभी उसको नहीं जगाऊंगी, अभी उसको सोने देते हैं और वो जब उठेगा तब उसके लिए नाश्ता बनाऊंगी और मैं भी नाश्ता करूंगी। और अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, तो अभी फटाफट जाके मैं किचन में जो सब्जी काटना और कुकिंग का तैयारी जो है वो जितना हो सके वो कर लूँगी, क्योंकि 10:30 बजे के पहले मुझे पूरा कम्प्लीट करके वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जाना होगा। तो चलिए चलते हैं किचन में और आरुष जब उठेगा तो उठने के बाद हम लोग माँ बेटा नाश्ता कर लेंगे। आज हम लंच में बनाएंगे आलू पालक की सूखे वाले सब्जी और आलू और फूलगोभी का भुजिया। तो पालक के लिए 2 मीडियम साइज का आलू लिए हैं और इसको छोटे छोटे पीसेस करके कट कर ले रहे हैं। और इस साइड में मैं पालक को सुधार रही हूँ। पालक देखिए कितना ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये 2 दिन पहले पालक को लेके आए हैं। साग वगैरह ऐसा होता है कि जिस दिन लाते हैं मतलब फ्रेश ही उसको बनाना ठीक रहता है, नहीं तो वो ख़राब होना चालू हो जाता है। तो उसी में से मैं उसको सुधार के बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर इसको धो ली हूँ अच्छे से और मीडियम साइज में इसको कट कर रही हूँ। फिर इसको कट करने के बाद फिर से एक बार धोऊंगी इसको, मतलब गमला में भिगा के रखूंगी 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि साग वगैरह में मिट्टी बहुत रहता है। तो भिगा के फिर इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी, फिर इसको बनाना चालू करूंगी। और आलू गोभी का सब्जी बनाने के लिए फूलगोभी का जो डांटा है वो इसका रेसिपी भी बनता है, तो इसको मैं अलग से उठा के रख दे रही हूँ फ्रिज में। पम्पकिन आलू देखिए इसका बहुत अच्छा बहुत डिलीशियस रेसिपी बनता है, वो आप लोग के साथ किसी दिन मैं शेयर करूँगी। तो फूलगोभी को काट रही हूँ और इसके लिए भी 2 मीडियम साइज का आलू लिए हैं, उसको भी कट कर लेंगे। और पैन चढ़ा दिए हैं इस साइड में और सरसों का तेल डाल दिए हैं। मेरा ज़्यादातर रेसिपी सरसों का तेल में ही मैं बनाती हूँ। और ढेर सारा लहसुन का कलिया लिए हैं और 2 हरी मिर्ची लिए हैं, तो लहसुन को ज़्यादातर डार्क ब्राउन नहीं करेंगे उसको, फिर उसमें आलू डाल देंगे और 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साग वगैरह मैं जब भी बनाती हूँ आलू को 2-3 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर साग डालेंगे तो साग से वो पानी निकलता है, तो फिर आलू पानी पानी हो जाता है, वो टेस्टी नहीं लगता है। और थोड़ा थोड़ा साग देते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे, क्योंकि साग एक साथ में डालेंगे तो उसको हिलाने में दिक्कत होगा और मेरा जगह भी छोटा है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा साग डाल रही हूँ तो वो नरम हो रहा है, फिर इसको फोल्ड करते जा रही हूँ, फिर देते जाऊँगी। फाइनली इसमें नमक डाल देंगे और इसको ढक के नरम होने देंगे। ढक्कन खोल के देखिए, मतलब आलू ऑलमोस्ट मेरा 50% डन हो चुका है। सिर्फ साग को इसको मतलब फ्राई करना है, इसमें जो मॉइस्चर है उसको सुखाना है, और जितना आप फ्राई करिएगा इसको उतना ही टेस्टी होता है।
ये सूखा वाला आलू और पालक का सब्जी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और उस साइड में बिठा दी हूँ आलू फूलगोभी और आलू का भुजिया, हल्दी और नमक डाल के सिंपल सा उसको फ्राई कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगी, वो तले में जो पिंक पिंक दिख रहा है ना, तो उसको खुरच खुरच के फ्राई करना है, इसी में इसका असली टेस्ट आएगा। जितना देर तक आप उसको फ्राई कर सकेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा ये। सब्जी मेरा बनके तैयार हो चुका है और इसको डिश आउट भी कर लेंगे। और इधर फूलगोभी आलू की सब्जी मेरा बन रहा है और क्लीनिंग का भी काम चालू हो गया है, क्योंकि खाना बनाने के बाद ही मैं क्लीनिंग अपना कर लेती हूँ, क्योंकि फिर क्लीनिंग अगर नहीं करूँगी तो वो चींटी आने का डर रहता है, चींटी कॉकरोच आने का डर रहता है, तो इसीलिए मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। और गंदा रहने से भी अच्छा नहीं लगता है। तो फूलगोभी आलू का भुजिया मतलब थोड़ा सा बाकी है और राइस मेरा बन के तैयार हो चुका है। तो मेरा लंच ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो गया हो जाएगा, फूलगोभी आलू का सब्जी भी कंप्लीट हो गया है। गैस बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। और आरुष को देख लेंगे, उसको जगा देंगे, कल टाइम हो चुका है। और उसको पूछेंगे कि वो नाश्ता में क्या लेगा, वो जो बोलेगा वही बनाएंगे और हम लोग माँ बेटा वही नाश्ता करेंगे। मैं भी अभी तक नाश्ता नहीं की हूँ आरुष के लिए, तो मैं उसको पूछी तो वो बोला कि सूजी का हलवा, जो मीठा वाला सूजी का हलवा जो बोलता है ना, सीरा कि क्या बोलता है, वो खाएगा और पराठा, उसको स्वीट डिश बहुत पसंद है, उसको खिलाना हो चुका है। अब मेरा बारी है, मैं नाश्ता कर लूँगी। मैं भी अपने लिए और अलग से कुछ नहीं बनाई, वही खा ली, क्योंकि टाइम नहीं है, जाना है जल्दी जल्दी और तुरंत ही हम लोग नाश्ता करके निकल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और इधर मैच चालू हो गया है, सब खेल रही है, बहुत अच्छे से खेल रही है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रही है सब कोई। अब मेरे बारी है, और तो ये था आज हम लोग का मैच प्रैक्टिस। तो आप लोग को ये वीडियो देख के कैसे लगा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं अपना व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।